इस्माइल हानिया की मौत के बाद यहावा सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया है। हमास ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले यहाया सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। हानिये जहां कतर से संगठन को ऑपरेट कर रहा था, वहीं सिनवार गाजा में ही रहता है। 2017 में जब उसे गाजा का चीफ बनाया गया था, तब से वो कभी भी सामने नहीं आया। सिनवार की हमास पर काफी मजबूत पकड़ है। 1 जुलाई को तेहरान में हानिये के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया था। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई थी। हानिये की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसका मास्टरमाइंड सिनवार था। आमतौर पर किसी चीफ के मरने के बाद उनकी जगह डिप्टी चीफ लेता है, लेकिन हमास के डिप्टी चीफ रहे साले अल अबूबी की हत्या इसी साल जनवरी में हो गई थी। इजरायली सेना ने एक ड्रोन हमले में हमास के नंबर 2 नेता को मार दिया था। हमास के पॉलिटिकल विंग में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की कुर्सी खाली हो गई थी। फिलहाल हमास में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इजरायल की जंग और गाजा की स्थिति को सिनवार से बेहतर समझ सके। ऐसे में उसे चीफ बनाया गया है। अब सिनवार की बंधकों की रिहाई और सीज फायर से जुड़े अहम फैसले लेगा।